सकते हैं, हमारे पास ये अरबा कंपनी का मशीन है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज। ठीक है, थोड़ा इससे हम वेट करते हैं। YouTube चैनल लैब टेक्नीशियन प्रकाश में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप भी लैब में वर्क करना चाहते हैं और आपको मशीनों के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। अगर आप भी अच्छा खासा सैलरी पाना चाहते हैं किसी भी लैब में जॉब करके, देखो अगर आपको मशीन के बारे में नॉलेज नहीं होता है तो आपको कलेक्शन सेंटर में बैठा दिया जाता है या फिर आपको टेस्ट लगाने को नहीं दिया जाता है। जहाँ तक मेरा ये अनुभव है कि क्योंकि मैं भी कहीं किया हूँ तो मैं भी 2 साल तक ऐसे ही देखा सीखा। फिर मैं तो आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से 4 मिनट के वीडियो में आपको बता दूंगा कि मशीन के स्टार्टिंग और एंडिंग किस तरह से होता है, मतलब उसमें टेस्ट किस टाइप से लगाते हैं। ठीक है, और मशीन यानी किसी भी टेस्ट को कैलिब्रेशन किस टाइप से करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो चलो पहले हम आपको आज इस वीडियो में अरबा कंपनी का जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन होता है उसका हम आपको प्रोसेस बताएंगे, उसमें टेस्ट किस टाइप से सेलेक्ट करते हैं और उसमें टेस्ट किस टाइप से लगाते हैं। चलो दोस्तों, तो यह हमारे पास अरबा कंपनी का मशीन है, ठीक है, जो कि सेमी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन। ठीक है, तो मैंने फुल्ली के बारे में भी वीडियो बना चुका है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से भी फुल्ली को भी देख सकते हैं कि फुल्ली मशीन को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो पहले हम आप सेमी के बारे में बात करेंगे तो जस्ट ठीक है। तो ये हमने ये मशीन पहले ऑफ है, तो मशीन का जो मेन स्विच होता है वहां से स्टार्ट कर लेना। अब मशीन का हम जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का जो मेन स्विच होता है उसको हमने स्टार्ट किया, अब हम मशीन का जो स्विच होता है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने यहाँ से पीछे इसका स्विच दिया रहता है, ये देख सकते हैं ये स्विच दिया रहता है। तो स्विच को हम यहाँ से कुछ ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाता है डिस्प्ले में, देख जो कि इसमें लिख के आ गया है अरबा मशीन। ठीक है, थोड़ा इस पर हम वेट करते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ इस टाइप से आ जाता, पूरा पैरामीटर या फिल्टर को ऑटोमेटिक मशीन सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा हर कुछ लिख के आ चुका है इसमें। अब ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आएगा, इसमें डेट भी आ जाएगा कौन सा डेट है आज। ठीक है, ये देख सकते हैं अरबा कैम 5CX कंपनी है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि इसमें रन टेस्ट, ये एक नंबर में रन टेस्ट, दूसरा में QC रिपोर्ट है ना, और 5 नंबर में पेशेंट रिपोर्ट, 2 नंबर में टेस्ट पैरामीटर, 4 नंबर में मेंटेनेंस, 5 नंबर में सिस्टम सेटअप। ठीक है, इसे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम जैसे पहले हमें मशीन को वॉश कर लेना अच्छे तरह से। ये हमने ये छोटे से कंटेनर में डिस्टिल वाटर भर लिया है। हमेशा याद रखना है कि हमें नॉर्मल वाटर का यूज़ नहीं करना है, मशीन को वॉश करते टाइम हमें डिस्टिल वाटर को ही यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हमने ये डिस्टिल वाटर लगाया और यहाँ से हमें ये देख सकते हैं हमने वॉश बटन दबा दिया, अब ये वॉशिंग बंद हो चुका है। ठीक है, अब पहले हम इसमें लिखा हुआ है रन टेस्ट, रन टेस्ट कितने नंबर में, 1 नंबर में, तो यहाँ पे नंबर डले हुए हैं तो आप 1 नंबर वाले बटन को दबा देना है। ऐसे 1 नंबर को आप बटन दबाएंगे कुछ इसमें मशीन में कुछ इस तरह से रन टेस्ट आ जाएगा। रन टेस्ट का मतलब आपको कौन सा टेस्ट रन करना है। ठीक है, तो इसमें सारे टेस्ट दिए रहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ पेज नंबर 1। ठीक है, तो आप एक पेज में इतने सारे टेस्ट हैं, अब अपन दूसरे पेज में देखेंगे तो दूसरे पेज में हम 2 नंबर बटन दबाएंगे। ठीक है, 2 नंबर में हमने क्लिक किया, 2 नंबर में ये देखो कुछ ये पैरामीटर आ गए, स्टार जो स्टार जैसे बने हुए हैं, इनका मतलब है कि इन पैरामीटर में टेस्ट मतलब ऐड नहीं है। ठीक है, मतलब इतने में ऐड टेस्ट नहीं है। तो फिर जैसे हमें लगाना, इसको हम बैक करना है, अगर मान लो आपको 1 नंबर पर जाना तो 1 नंबर फिर से आप दबा देंगे ऐसे, तो 1 नंबर में दाएंगे तो 1 नंबर वाला पूरा पैरामीटर आ जाएगा। जैसे आपको सपोज लगाना है ग्लूकोज, ठीक है, शुगर लगाना है, तो शुगर लगाने के लिए जैसे कितने शुगर में हमने ये यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमें शुगर लगाना है, शुगर में लिखा CL, तो ये जो वाइट कलर का एरो है इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है, ये देखो ग्लूकोज में हमने कर लिया। ठीक है, तो फिर हमें करना है यहाँ से इंटर। ठीक है, जब आप इंटर करेंगे इसको तो इंटर करेंगे हल्के हाथ से करना, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है, तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तब इसमें मांग रहा है स्प्रिट वाटर, तो वाटर का मतलब डिस्टिल वाटर। ठीक है, आपको नॉर्मल वाटर नहीं पिलाना, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये हमारे यहाँ से डिस्टिल वाटर पिलाना है, यहाँ से इसका वो दिया रहता है वायर, तो आप यहाँ से ये यह हमारे पास डिस्टिल वाटर है, कंटेनर भर के रख लिए छोटे कंटेनर में, हमने यहाँ से डिस्टिल वाटर पिला देना है। मशीन कुछ इस टाइप से वीप करेगा। ठीक है, जैसे ही वीप आता है इसमें लिख के आता है प्लीज़ रिमूव द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आप टेस्ट ट्यूब को हटा लेंगे, आप देख सकते हैं इसमें अब प्लीज़ वेट, तो आप वेट करना है। इसमें आता है लिख के स्प्रिट स्टैंडर्ड, तो आपको अगर स्टैंडर्ड पिलाना है
तो आप स्टैंडर पिला सकते हैं, ट्यूब में आप स्टैंडर बनाइए और यहाँ से स्टैंडर रन करा दीजिए, तो यहाँ पर स्टैंडर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको पिलाना है, जैसे आपको स्टैंडर नहीं पिलाना, आपको डायरेक्ट टेस्ट लगाना है, तो आप जैसे इसमें लिख के आ रहा है प्रेस ऑन टू स्किप, ठीक है, तो इसको मतलब स्किप कर देना, इसको बैक करना है, तो आप नो बटन दबाएंगे, कौन सा, ये नो, इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं जीरो में नो लिखा हुआ है, इसको नो ऐसे क्लिक करेंगे, तो ये अब लिख के आ रहा है स्प्रिट सैंपल, ठीक है। जो आप पेशेंट टेस्ट जो लगाना है, जैसे आपको ग्लूकोज हमने सेलेक्ट किया था, इसमें आपको ग्लूकोज टेस्ट रन करा देना है, जैसे आप यहाँ से रन करा देंगे तो यहाँ पे रीडिंग आ गया, आप रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से, अब जैसे हमें टेस्ट हिमालय सपोज ये रीडिंग आ गया, ठीक है, तो रीडिंग आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर रिसेट करेंगे तो आप वही डायरेक्ट तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे अपन रन टेस्ट पैरामीटर्स, ठीक है, टेस्ट पैरामीटर पेशेंट आईडी जहाँ पे अपन देखेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, और अगर प्रीव्यू करोगे तो आप बहुत टेस्ट पैरामीटर में पहुँच जाएंगे, जैसे हमने प्रीव्यू करके आपको दिखा रहे हैं, ये आपने किया, ठीक है, थोड़ा प्लेस रिंस द फॉलो, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें आ गया। अब फिर दूसरा आप नेक्स्ट टेस्ट जो लगाना चाहें तो आप फिर दूसरा टेस्ट लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है, जैसे आपको लगाना है एलडीएल लगाना है तो फिर एलडीएल लगा लो, ठीक है, एलडीएल। अब आपको हमने पहला पैरामीटर बता दिया, अब इसको करना है बैक, तो आपको रिसेट कर देना है, ठीक है, यहाँ से रिसेट आप कर देंगे, ये आपको रिसेट हो गया, ठीक है। रिसेट नंबर दो का देखते हैं कि नंबर दो में क्या है, ठीक है, जो जैसे इसमें लिखा है टेस्ट पैरामीटर, तो आप यहाँ से दो नंबर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये दो नंबर वाले में ऐसे दबाएंगे, इसमें नंबर डाला हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये देख सकते हैं ये टेस्ट पैरामीटर, मतलब कि इस मशीन में कौन कौन सा पैरामीटर है, इस मशीन में हम आप टेस्ट कौन कौन सा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर दिया हुआ है, ग्लूकोज का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, यूरिक एसिड का, फॉस्फोरस का, वर्ण यूरिया का, बहुत सारे इसमें पैरामीटर दिया, जो भी आपको लगाना है आपको वो क्लिक करते हो, ये वाले में नहीं करना, ये सिर्फ पैरामीटर है, आपको लगाना है जहाँ से हमने रन टेस्ट में ही लगाना है, ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए हमने किया था। फिर हमने यहाँ से बैक कर देना है, अब जैसे फिर आता है जैसे पेशेंट रिपोर्ट सिस्टम, ये सब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको टेस्ट बस लगाना है तो आप यहाँ टेस्ट बस लगा सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, दो को लेके, आईक्यू रिपोर्ट, पेशेंट रिपोर्ट, ठीक है, मेंटेनेंस सेट, सिस्टम सेटअप किस टाइप से करते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, तो थैंक यू अभी के लिए।